हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, डिवाइड 32 इनटू फोर पार्ट्स विच आर इन एपी सच डेट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15। तो सबसे पहले हम लोग इस फोर पार्ट की बात करते हैं जो कि एपी में लिया जाता है। देखो, जब भी एपी में फोर पार्ट की मतलब फोर नंबर्स की बात होगी तो हम लोग हमेशा लेट करेंगे ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस का 3d आर फोर नंबर्स इन एपी। ये हमारे फोर नंबर्स हो गए एपी में, ठीक है ना। अब इसने बोला है 32 को इन फोर पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका मतलब इन चारों का जो सम है वो कितना है, हमारा 32 है। तो देखो, a माइनस का 3d प्लस का a माइनस डी, ए प्लस डी प्लस का a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। यहाँ पे डी वाली सारी टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो गई तो 4a इज इक्वल टू आ गया 32। ए यहाँ से आ गया हमारे पास 8, ठीक है जी। अब इसने देखो क्या दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15। ये इसने दे रखा है, ठीक है ना जी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीम हो गया हमारे पास स्टार्टिंग मतलब a माइनस का 3d और ए प्लस का 3d स्टार्टिंग और एंड वाली वैल्यूज, ठीक है। और मीन्स मतलब बीच वाली दो वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है उनका जो रेशो है वो कितना आएगा, 7:15 आएगा। तो मतलब क्या हो गया इसका कि ए माइनस का 3d इंटू में ए प्लस का 3d और का होल रेशो किससे, ए माइनस का d और ए प्लस डी इज इक्वल टू 7/15। यह आ गया ए स्क्वायर माइनस का 9d² अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15, ठीक है जी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, 15a² माइनस का, अगर 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 135d² इज इक्वल टू 7a² माइनस का 7d², ठीक है जी। 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा हमारा 8a² इज इक्वल टू, ये उधर गया तो आ गया 128d². ए की वैल्यू हमें 8 पता है तो यहाँ पुट कर देते हैं, 8 इंटू में 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 128d². यहाँ से आपके पास d² इज इक्वल टू आ रहा है 4, ठीक है। तो d की वैल्यू हो गई प्लस माइनस का 2, d हमारे पास कितना आ गया, प्लस माइनस का 2 आ गया, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, आपके फोर नंबर्स निकालने हैं। तो एक बार एट d इज इक्वल टू प्लस 2 और एक बार हमारे पास एट d इक्वल टू माइनस 2। नंबर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, पहला नंबर था हमारा a माइनस का 3d, मतलब कि a की जगह पे a की वैल्यू थी 8 माइनस का 3d की जगह पे आ गया 2, तो ये आ गया 2। अगला नंबर a माइनस d इज इक्वल टू 8 माइनस का 2 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट नंबर हमारे पास a प्लस d इज इक्वल टू 8 प्लस का 2 इज इक्वल टू 10। फिर नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस का 3d, मतलब कि 8 प्लस का 3 इंटू में 2, ये हो गया 8 प्लस का 6 इज 14, ठीक है। इसी तरीके से सेम आप यहां से भी नंबर्स निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर खैर सेम यही आएगा, 2, 6, 10 एंड 14, ठीक है ना। तो आपका नंबर्स आ गए, नंबर्स आर 2, 6, 10 एंड 14, ठीक है जी।